मॉर्निंग फैमिली, श्री शिवाय नमस्ते। हम सुबह का टाइम है और 7 बज रहा है, 7:30, और ट्रेन हमारे को भी लेट ट्रेन 6:30 बजे घर पहुँच जाती है। कोई बच्चा रो रहा है, सब सो रहे हैं। अभी मेरा नींद खुला, गहरा बहुत है गांव में, बहुत ज़्यादा। ये देखिए बाहर का नज़ारा, अभी तो फिर सही है, नहीं तो उधर तो बहुत ज़्यादा कोहरा था, बहुत ज़्यादा। खेत बिहार दिख रहा है बस। कौन सा स्टेशन आया? चिलबिला। ये मेरे ननद के घर के पास है चिलबिला, ननद के घर। ये चिलबिला जंक्शन है, यहाँ से मुझे लगता है कि 1 घंटा लगेगा मुझे पहुँचने में। चलिए हम भी अपना सारा सामान वगैरह सुलाची भी सो कर उठे। श्री स्वाय नमस्ते सुलाची। सामान मैंने इकट्ठा कर दिया है, अभी 1 बैग इधर है और 1 बैग यहाँ है। प्रतापगढ़ जंक्शन पहुँच गए, यहाँ से देखते हैं 1 घंटा लगेगा शायद, हमारे हिसाब से सब लोग बाहर हैं। अभी हम सब पहुंच गए हैं जंघई स्टेशन, इसके बाद सूर्यावा मोड़, फिर भदोही आएगी। अभी देखिए ये जंघई का स्टेशन है भाई, इधर शायद नया लाइन बन रहा है क्या? हाँ। ना हाँ, देखने में नहीं लग रहा क्या? तो फाइनली हम लोग जंघई पहुंच गए। अभी हम सब पहुंच गए हैं जंघई स्टेशन, इसके बाद सूर्यावा मोड़, फिर भदोही आएगी। अभी देखिए ये जंघई का स्टेशन है भाई, इधर शायद नया लाइन बन रहा है क्या? हाँ। ना हाँ, देखने में नहीं लग रहा क्या? तो फाइनली हम लोग जंघई पहुंच गए हैं, सारा सामान यहाँ इकट्ठा कर लिए हैं। चलिए सब लोग रिसीव करने आ गए हैं और हम लोग पहुंच गए हैं सोनाची गढ़े भदोही स्टेशन। चल रहे हैं गाड़ी पहिया, अभी जानते हो कितना लगेज गाड़ी के अंदर आएगा देखना। हाँ मथुरा पहुँचे हैं, चलिए देखते हैं, बने रहिए गाइस। ये देखिए गाड़ी में सामान आ जाएगा, सारा सामान चलो सामान रखो। आराम आराम से भाई, मेरा चूड़ी उड़ी भी होगा इसमें। ये खाली दुई जने पहनावा ओढ़ावा बाटे अम्मा, वो तो हाथ मिलेगा। खाली हम सब लोग, अरे कार में बैठे, इसको क्या कार बोलते, क्या बोलते हैं? कार बोलते हैं जी। तो कौन सा गाड़ी है? आर्टिका। आर्टिका वही, हमें तो इतना पता नहीं गाइस, बस बैठने से मतलब होता है। और इधर भाई लोग लगा दिए भक्ति गाना मनोज तिवारी का, झूमते घूमते जा रहे हैं। इधर प्रवीण देखिए, प्रवीण कैसा रहा सफर? बस घर के लिए निकलने वाले हैं। फाइनली हम घर पहुंच गए और तुरंत उतार के बिने, अरे दीपक भाई फिर बिने भाई लोग के लिए नहीं गए। अरे देखो यार स्कूल जा रहे हो, मम्मी कहाँ है? तो यार मम्मी भिजल चढ़ा कर आ गई हैं, एक बार फिर से पैर छू लेते हैं। हम भी छू लेते हैं। हाँ हाँ सब खेत है, जल्दी से चलो मम्मी तैयार हो, बड़ा अंधेरा अंधेरा बात है। अरे मैं इन्हें रुने चलता लो। तो हम सब पहुंच गए हैं घर पर और मम्मी स्कूल गई हैं, एक स्कूल दूसरा है। और देखो मम्मी यहाँ क्या क्या लगाई है, पेड़ लगाए छोटा छोटा छोटा। तो हम करें। हाँ। और फैमिली एक बात बता दूं, मतलब 20 साल या 11 साल की बात है, इस वाले घर में कौन आया करता था पहले? चूड़ा वगैरह नहीं, ऐसे लोग बोलते आया नहीं करती थी, आया करती थी। क्यों? जब बरेली गई थी बता नहीं रही थी?
और घर में भी कोई नहीं क्योंकि सब स्कूल चले गए हैं। अभी सब अभी धीरे धीरे सब जुड़ रहे हैं। उस घर पे सब है जहाँ से शादी होगी, शादी तो यहीं होगी, लेकिन जिस चाची के घर है तो अभी जाएंगे हम। चलते नहाते हैं धोते हैं, फिर उसके बाद भाभी बना रही है नाश्ता, नाश्ते में पोहे वगैरह बनाएंगे और मिठाई ले रहे थे। दीपक भाई बोले टाइम नहीं है, तुरंत उतरो तुरंत, अरे जा रहे हैं पीने भाई लोग को लेने है तो अभी, लेकिन इसे केस चल रहा है। केस ऐसे कि ना कई लोग तो इसमें है ना, देखते हैं क्या होता है। तो फिर मैंने दीपक भाई को पैसे दे दिए, हम आते वक्त धस लेते हैं ना। अब जाते हैं मंजन करते हैं, नहाते धोते हैं, फिर चाची के घर चलते हैं। बहुत ही फोक के पीछे, चलिए बने रहिए। तो यहाँ भाभी नहा कर आ गई, पूजा कर ली। हाँ। कर लिया। तो यहाँ बना रही नाश्ता, मैंने इनका पैर छू लिया था, ये बात कमेंट में भाभी का पैर नहीं छुई छुए थे कि नहीं, एक बार फिर से छू लेते हैं। अरे नहीं, अरे हमारी फैमिली ना बड़ा उबड़ खाबड़ बोलती है, उबड़ खाबड़ बोला। तो सोना बुआ को नमस्ते नहीं की, जय कर दीजिए बुआ को, जय करो। बड़ा शांति शांति लग रहा है, होगा अभी लग रहा है ना, अभी कल से शोर होगा, कल से हाँ। पूरी फैमिली जुट जाएगी। हाँ फिर शाम को आ जाएंगे। हम तो इस समय बैग मेरा देखो गाइस उधर पड़ा हुआ है, कहाँ रखते हैं यार। मम्मी भी वही कह रही थी, कहते जितने लोग नहीं उससे ज्यादा बैग हो जाएगा। हम बोले बेड का पूरा बैग, बेड की तरह हंसकाते रहेंगे हम तो, बोले वे ना बेड के। अरे भाई जगह छोटा पड़ जा रहा है, जितना लोग रहे इतना बैग। हम तो पहले आए, मैं अपना व्यवस्था पहले ही इसके नीचे ही डालती हूँ। कमरों में जगह हो ना, ये मान लो अपन रखी है 14, 5, 6, 9 कबा है वो दराया पीछे खाली है ना, दराया पीछे ही। अच्छा ठीक है गाइस, बैग का पिटारा सारा खोल दिया है। अब इतने ढेर सारे कपड़े लाए हैं, वो भी इसमें भी सोच रहे मैं क्या पहनूं क्या पहनूं। तो मैं ये वाला सूट निकाल के पहनती हूँ, रेड वाला पहनो वाला सूट पहनती हैं। मैं तो बहुत ढेर सारे कपड़े लेकर नहीं, ये वाला पहनते हैं। अरे भाई हाँ ये पहनो अच्छा लगेगा, पर्पल। वाव 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 वाव। आओ नर्स, कहाँ तेरा है तो भाई, एकदम ऐसे लगता लंबूदार लंबूदार। और इसमें से क्या निकालूं, क्या निकालूं। मेथी मैंने जमीन पे रख दिया है, अभी धुला जाएगा मेथी, काटने के बाद धुला जाता है। तो भाभी थी अकेले कर रही थी, तो हमने सोचा हेल्प करा देते हैं यहाँ पर। हाँ सोनाक्षी जाओ दूध आया नीचे से लेते आओ, उठो। तब नहीं आया था ना, क्या चूहा से डरती है। तो गाइस यहाँ हम साग सब्जी काट लेते हैं, फिर उसके बाद जाएंगे नहाएंगे धोएंगे। भाभी वैसे नाश्ता बना रही हैं और हमने बोला कि ये सब भाभी सात्रा पर करा लेते हैं, फिर हम भी नहा धोकर नाश्ता करते हैं। तब तक सब लोग धीरे धीरे आ जाएंगे। और अच्छा लगा, आप लोग ये भी सोचेंगे कि कोई दिख नहीं रहा है मम्मी को, तो भाई स्कूल जाना था, मम्मी स्कूल चली गई हैं। मम्मी अब कल से स्कूल नहीं जाएंगी क्योंकि आज तक तो जाएंगी, अब कल से सब फंक्शन वगैरह शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आप लोग को कुछ ना कुछ दिखता रहेगा। अभी तो सब सुबह का टाइम है, सब सो कर, कोई सो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई सब लोग स्कूल भी चले गए हैं। हाँ सुबह शांति रहती है, घर में सबकी सुबह शांति रहती है। दोपहर में जब सब लोग आ जाते हैं तो ज्यादा हल्ला मुल्ला होता है। शायद लाइट आएगी क्या उनके रूम में, तो जल रहा है उधर लाइट। अभी नहीं लाइट आएगी। अच्छा उधर जल रहा है। अच्छा तो फिर ये वाला ब्लॉग यहीं से एंड करते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर खूब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। ए दूल्हा राजा अभी सोकर उठे हैं, अभी तो के उठ के फटाफट काम करे जाए। इन लोग पूछते किसकी शादी है, आज हम दिखाते हैं। नहीं दूल्हा दिखाने के लिए पैसा बोलता है। देखिए बड़े भाई साहब इनका भी आशीर्वाद लेते हैं। तो ये भी अपने काम से साइड से आए हैं, सब ऐसे अब धीरे धीरे आते रहेंगे जैसे आप देखेंगे ना। तो चलिए ज्यादा लंबा ब्लॉग नहीं करते हैं।